दोस्तों स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो चीज है ये सब कुछ जो चीजें लिखे हैं वो किस चीज से बनता है। जानकर आपको हैरानी होगी, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला आपके लिए। तो चलिए बोर्ड पे ही सारा बात करेंगे, ठीक है? आइए तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीजों को लिखे हैं, ठीक है? तो अब बोलिए कि चीज तो बहुत सारे होते थे। देखिए जो जरूरी है, जो जानना है, जो पढ़ना है, जो आवश्यकता है, ठीक है, उसी को ना पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला जो है वो है कागज। कागज का नाम आता है। कागज, कागज कौन से बनता है? कागज, कागज से बनता है। नहीं, कागज कागज से नहीं बनता है, कागज पेड़ से बनता है, मतलब पेड़ के छालों से बनता है। लीजिए, तभी नहीं कि पेड़ है तो हम पेड़ को फाड़ेंगे तो कागज बन जाएगा। तो पेड़ को प्रक्रिया कर करके कागज बना दिया जाता है, ठीक है? तो आया, अच्छा लगा तो अभी लाइक कीजिए, ठीक है? देखिए उसके बाद क्या है, शीशा। शीशा देखिए क्या होता है कि शीशा में क्या होता है, शीशा बालू से बनता है। देखिए, जानते थे, जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो नहीं जानते हैं, तो इसलिए ना बोल रहे हैं, लाइक कीजिए ना। देखिए, तो बालू जो है वो क्या चीज से बनता है, मतलब शीशा जो है किस चीज से बनाया जाता है? बालू से बनाया जाता है। बोलिए बालू से कैसे बनता है? बालू को जोड़ कर, नहीं, बालू को पिघला के उसको ढाल करके बनता है शीशा। और ये कौन सा शीशा है? ये कांच, जिसको आर पर देखा जा सकता है, वो बनता है। अब यहाँ पे देखिए, छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, लड्डू। लड्डू किससे बनता है? तो लड्डू बुनिया से नहीं ना बनता, लड्डू चना से बनता है, ठीक है? चना को पहले क्या करेंगे, पीसेंगे, तब बेसन बन जाएगा। तब बेसन से क्या करेंगे, उसको तेल में करके बुनिया बना देंगे और फिर लड्डू बना देंगे। रुपया किससे बनता है? तो रुपया कहने का मतलब कि जो नोट होता है ना, नोट, नोट वाला रुपया जो है वो किससे बनता है? वो कॉटन से बनता है, अधिकांशतः कॉटन, मतलब रुई। देखिए इसमें जो चीज बताया जा रहा है उसके अलावा भी कोई चीज लगता है, लेकिन जो मेजर पार्ट है, मुख्य पदार्थ है, वो यही सब चीज है। तो रुपया किससे बनता है? रुई से बनता है, ठीक है? रुपया कागज से नहीं बनता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जींस जो हम लोग पहनते हैं, जो भी हम लोग पहने हैं, तो वो जींस क्या बनता है? उसको जींस जिस चीज से बनता है उसको बोलते हैं डेनिम। वो जो कपड़ा होता है ना ब्लू 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 वाला, उसको डेनिम बोलते हैं। डेनिम का कपड़ा होता है, डेनिम का जींस लाइए, डेनिम का जैकेट लाइए, डेनिम का जूता लाइए, जो खरीदना है खरीद लीजिए। तार लिखा हुआ है, वो तार जो बिजली में उपयोग होता है, तो किससे बनता है? प्लास्टिक से। नहीं, उसका जो तार, हम अंदर का नहीं बाहर कवर का बात कर रहे हैं, उसका वो जो बनता है, वो बनता है पीवीसी से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनता है। उसके बाद देखिए क्या है, जूता जैकेट। अब देखिए जूता जैकेट जो है वो किस चीज से बनता है? बनता बहुत चीज से है, लेकिन यहाँ जूता जैकेट जो नाम आता है वो बनता है लेदर का। लेदर माने चमड़ा। अब देखिए बहुत जानवरों का चमड़ा, जैसे कि बकरी, भेड़, हाथी और जंगली जानवर, बहुत सारे चीजों से बनाया जाता है ये जूता जैकेट, ये सब है ना। अब उसके बाद तेल है। तो देखिए तेल बहुत चीज से बनता है, जैसे बादाम का भी तेल हो गया, बादाम को गाड़ दिए उसको तो बादाम हो गया, और क्या, नारियल हो गया, तो नारियल से भी, नारियल का भी तेल बनता है। नीम का जो गोली गोली होता है फल, उससे भी बनता है। जो चीज हो उस चीज का तेल, उस चीज से तेल निकाल के बन जाता है। अब जैसे देखिए सरसों है, तो सरसों का भी तेल बन जाता है उसको पेड़ के, पेड़ मतलब पीस के। सोयाबीन से भी तेल निकाला जाता है, चावल से भी तेल निकाला जाता है। तो बहुत सारा ऐसा चीज है जिससे तेल निकाला जाता है। अब देखिए क्या है, डालडा। डालडा जो तार का पेड़ होता है ना, ऐसे वाला, कैसे ऐसे, मतलब इस टाइप का जो तार का पेड़ होता है ना, उसका जो गोल गोल वाला निकलता है एक प्रकार का फल, उससे बनाया जाता है डालडा। अब देखिए शराब है, तो शराब किससे बनता है? तो देखिए दोस्तों, शराब जो है वो अंगूर से बनता है, या क्या, चावल से बनता है, और इसमें अल्कोहल भी मिलाया जाता है ताकि नशा होता है। नशा होगा तभी ना लोग पिएगा, नशा नहीं रहेगा तो लोग कहते। अंगूर से बनता है, चावल से बनता है, साथ ही साथ जौ से बनता है। जौ बोलते हैं ना विस्की, वो जौ से बनता है। अब देखिए यहाँ होम्योपैथ दवाई है, तो होम्योपैथ दवाई जो है ना, देखिए कि सब उजले है, ये कैसे दवाई भाई, सब देखने में उजले लग रहा है। तो ये जो चीज बनता है वो बनता है पौधों से, उसका किण्वन करके, फर्मेंटेशन करके। पौधा मतलब क्या, जड़ी बूटी से, जड़ी बूटी। तो जड़ी बूटी क्या हो गया, पौधे ना हो गया जी, जैसे नीम हो गया, अश्वगंधा हो गया, अर्जुन हो गया, ये सब का पेड़ का छाल जो है वो जड़ी बूटी, और साथ ही साथ उसमें अल्कोहल मिलाया जाता है, तभी ना होम्योपैथी दवा खाते हैं, थोड़ा सा अल्कोहल जैसा, स्पिरिट जैसा लगता है। लोग कहते हैं शराब पी लिया गया, नहीं होम्योपैथी दवा। चॉकलेट जो है, देखिए चॉकलेट जो है, बोलते हुए बहुत दुख होता है कि वो जानवरों के
ये अन्न मतलब जानवरों के मांस से, सॉफ्ट मांस से जिसको चर्बी वर्बी बोला जाता है उससे बनाया जाता है। इवन काऊ का भी प्रयोग किया जाता है जो कि गलत है, तो वो हम लिख नहीं रहे हैं, समझ जाइएगा। चॉकलेट वो चर्बी से बनता है। चीनी किससे बनता है? चीनी ईंख से बनता है। और देखिए ईंख से बनते हुए भी चीनी क्या होता है? हानिकारक होता है, इसलिए क्योंकि उसको इतना ना ये किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, प्यूरिफाई, और उसमें ये डाला जाता है जिससे चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, घातक होता है। तो ऊख से जो डायरेक्ट बनता है बढ़िया चीज वो होता है गुड़, मतलब मीठा। तो हम लोग को मीठा खाना चाहिए, चीनी छोड़ देना चाहिए। अब उसके बाद है ये कपूर। कपूर देखोगा उजला उजला एकदम बढ़िया महक रहा है, डालने पे जलाने पे उड़ जा रहा थी, क्या बनता था? कपूर पेड़ से बनता है, कपूर का पेड़ होता है, कपूर के पेड़ के, कपूर के छाल से ही, कपूर के पेड़ के छाल से ही क्या बनता है, कपूर बनता है। अब देखिये साबुन जो है, साबुन वो क्या बनता है? तेल से बनता है, वसा से बनता है, है ना? वो उसी चीज को वसा का रूप होता है, बहुत सारे जैसे कि सोडियम का वसा साबुन के सूत्र में होता है, ठीक है वो सब देखिए। उसके बाद ये धूप है। धूप कौन सा है? हम लोग जो जलाते हैं ना धूप, वो वाला धूप है ना। तो वो धूप जो है ना, मरल फूल मतलब सड़े हुए फूल से बनता है, धूप मतलब फूल से बनता है। देखिए तो ये जो चीज है, ये आप देख रहे हैं कि कौन चीज किससे बनता है ना, जान के आश्चर्य हुआ है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? देखिए एक बार फिर से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए दोस्तों ये जो वीडियो है हमको लगता है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई पूछ दे कि जा कौन चीज किससे बनता है तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो देख लीजिए वीडियो, याद कर लीजिए, याद तो हो ही गया होगा। ये सब चीज जो होता है ना, इंटरेस्टिंग जो होता है, जो कहानी से हम लोग बताते हैं, जो हम बताते हैं आपको, वो जल्दी से याद होता है, याद होता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।